नमस्कार, एससीए न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश पाठक। देश में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच देश में कोरोना की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात काफी लचर हो गई है। इसी कोरोना की रफ्तार में वायरल वीडियो भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों देश में कोरोना वायरस के बिगड़ते हुए हालात की वजह से लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड के लिए लाइन लगा रहे हैं। जिन्हें इनमें से एक भी चीज मिल जाती है, वे अपनी एक एक सांस के लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे वेंटिलेटर बेड पर लेटे लेटे तंबाकू और खैनी की तलब लग गई थी। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में वेंटिलेटर पर नाजुक हालात में लेटा हुआ एक मरीज है। उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है, लेकिन वह अपने हाथ इस अंदाज में घिस रहा है जैसे तंबाकू खैनी यानी गुटखा बनाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीज के पास एक महिला बैठी हुई है। एक नर्स भी उसकी तीमारदारी कर रही है, लेकिन वह अपनी धुन में लगा हुआ है। मरीज की इस अजीबोगरीब हरकत को तुरंत रिकॉर्ड कर लिया गया था और आईपीएस ऑफिसर रुपीन शर्मा ने वायरल वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, दूसरा जरूरी आइटम छोड़ेंगे ना तेरा साथ मरते दम तक। शराब अभी भी लिस्ट में टॉप पर है। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कि छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथ ही मरते दम तक। 30 सेकंड के इस वीडियो को ट्विटर पर अब तक 949 लोग देख चुके हैं और 21 यूजर्स ने इसे रीट्वीट भी किया है। ज्यादातर लोग कमेंट में इसे कभी ना छूटने वाली आदत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे मनोरंजन का जरिया बता रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे सीएन न्यूज। शुक्रिया।